हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2022 का लिमिट से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी 6, 10 समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 to n 10 inverse 1 by r² + 3r + 3 इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी 6, 10 summation r going from 1 to n 10 inverse r plus 2 minus r plus 1 ऊपर में तो 1 हो गया, नीचे में लिखेंगे 1 plus r plus 1 r plus 2 तो ये होता है r square 3r plus 2 तो ये 1 के साथ 3 हो जाता है। तो लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी 6, 10 ये क्या होगा, एक सीरीज हो गया आर गोइंग फ्रॉम 1 to n 10 inverse r + 2 माइनस 10 inverse r + 1 ये दोनों का सम वो होता है। अब ये पूरा सम लेने से लीडिंग टर्म रहेगा और ये टर्म कैंसिल होता जाएगा हर केस में। जब r इक्वल टू 1 होगा तो 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2 होता है, फिर 2 होने से 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3 होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, इस प्रकार कटते जाएंगे, ये बचेगा और ये लास्ट वाला ये बचेगा। तो इसमें क्या मिलेगा, एंडिंग टू इन्फिनिटी 6, 10 10 इनवर्स n प्लस 2 रहेगा माइनस 10 इनवर्स 2 रहेगा। जब r का वैल्यू 1 है ये वाला बचेगा और बाकी ये सब कट जाएंगे और लास्ट वाला बचेगा। अब लिमिट डालने से क्या होगा, 6, 10 ये हो गया 10 इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2 और 10 इनवर्स 2 को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/2। सो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो गया 10 इनवर्स थीटा, तो 10 10 हट जाने से होगा हाफ, 6 × 1/2 = 3 तो ये ऑप्शन इसका सी होगा। तो ये प्रॉब्लम का आंसर सी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।